बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की अपडेट के बारे में, रिजल्ट के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, कैसे देखते हैं। तो देखिए, मैं आज का नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ दे रखा है कि MJPRU.वेबसाइट पर हम जाएंगे। जैसे कि आपने MJPRU.वेबसाइट को सर्च किया, बस आपको गूगल में इतना सर्च करना है MJPRU.वेबसाइट, ठीक है। तो कुछ वेबसाइट इस तरीके की खुल जाएगी और यहाँ देखिए इस MJPRU एंड्रॉयड ऐप भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर टच करना है और अपने फ़ोन में एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में हमारा यूट्यूब चैनल पर यहाँ से, फेसबुक पेज पर यहाँ से और इंस्टाग्राम पर यहाँ से जा सकते हैं। और हमारे चैनल यहाँ भी है MMSC MCOM के लिए। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ कुछ बटन दे रखे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है बैक पेपर इम्प्रूवमेंट है आपका, ठीक है, या फिर सप्ली वगैरह पड़ती है, ठीक है। तो उनके अप्लाई फॉर्म यहाँ से टच करके आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ से आपको जो सिंगल सब्जेक्ट के रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट होते हैं, जो सिंगल सब्जेक्ट से करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन जो एक्स स्टूडेंट होते हैं सिंगल सब्जेक्ट से करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। प्राइवेट फॉर्म वगैरह यहाँ से डाले जाते हैं इस पॉइंट से। उसके बाद में एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका डेट शीट देखनी है किस तारीख से आपका कौन सा पेपर है, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टाइम टेबल को यहाँ से प्राइवेट स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कोई आप पेमेंट की कट भी जाता है आपका किसी कारणवश, तो 24 घंटे का इंतजार करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके उस ऑर्डर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। MJPR का ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड देन MJPR से कॉल करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप इनसे कॉल करके इनसे अपना परामर्श ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड वेरिफिकेशन ईवोल्यूशन फॉलोअप फॉर्म यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लॉग इन करना है स्टूडेंट को एग्जाम तो यहाँ से कर सकता है। प्रैक्टिकल मार्क फीडिंग यहाँ से होती है और डेली के नोटिफिकेशन यहाँ मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ रिप्रेस करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कब का ये आया है या नहीं आया अभी हाल ही में कोई लेटेस्ट। जैसे कि आज है 16 तारीख, 17 तारीख है, देखो 17 तारीख की अपडेट देख लीजिए। 17 तारीख को एक नोटिफिकेशन आए हुए हैं दो, जैसे कि यहाँ एम फार्मा और MSc के जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे, एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म जैसे यूनिवर्सिटी फॉर्म बोलते हैं, वो कब से कब तक होंगे वो यहाँ बोला गया है। यहाँ से परीक्षक सोदर के बारे में बोला गया है। तो जैसे कि मैं आपको आज की अपडेट दिखाने वाला हूँ और यहाँ से आप बड़े आसानी से अपनी डाउनलोड कर पाएंगे, और जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो आप इसको ओपन कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन होने के बाद में कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, आपको देख लीजिए। जैसे कि मैं अपनी फाइल में जाता हूँ और अपने फाइल में भी आप जा सकते हैं, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो डाउनलोड में जा करके अभी एक जो हाल ही में डाउनलोड हुई है, जैसे कि ये है, देखिए ये मैंने क्या कर ली, इसको डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस तरीके की आ गई। अब देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। अब आपको दिख रही है, ये है महात्मा गांधी का जो हमारी जो महात्मा महात्मा ज्योति फुले जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली है उसकी, आप देखो 17 तारीख की आज की अपडेट देख लीजिए। तो यहाँ बोला गया है कि जो विश्वविद्यालय है उसमें जो एम फार्मा और द्वितीय द्वितीय वर्ष सेमेस्टर का, जो सेकंड सेमेस्टर का एम फार्मा हो रहा है 2023 से, उनके महाबंध उसके संबंधित जो कॉलेज है, महाविद्यालय का मतलब कॉलेज कहलाता है और विश्वविद्यालय का मतलब यूनिवर्सिटी कहलाता है, ठीक है। तो उनके MSc के जो स्टूडेंट है द्वितीय सेमेस्टर के या तृतीय सेमेस्टर के स्टूडेंट है, उनके परीक्षा फॉर्म जो है वो आपके 20/10 मतलब कि 20 तारीख से भरना प्रारंभ हो जाएंगे। कौन सी वेबसाइट पे भरे जाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे फॉर्म भरना है, तो मैंने अभी आपको बता दिया था ना। तो ये उन्होंने एकदम डायरेक्टली लिंक दे रखा है, आप यहाँ से ऐसे जा सकते हो, या फिर इनकी वेबसाइट ए दे रखी है इस पर जा सकते हो, या फिर मैंने जो आपको अभी बटन दिखाए थे उस पर टच करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से, पर उपलब्ध होंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप डेबिट कार्ड वगैरह अब नेट बैंकिंग के द्वारा अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि परीक्षा फॉर्म जो प्रारंभ होंगे वो 20/10/2023 से होने वाले हैं, और भरे जाने की अंतिम तिथि जो है, ठीक है, प्रारंभ होने की तिथि और शुल्क शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 25/10 है, मतलब कि 5 दिन के अंदर आपको सब कुछ फॉर्म भरना है। और उसके बाद में जब फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद में अप्रूव्ड कराने की तिथि जो है वो अगले दिन आप अपने कॉलेज में, ठीक है, अपने कॉलेजों में अपना आवेदन पत्र लेके जाएंगे और उसको अप्रूव्ड कराएंगे। उसकी अंतिम तिथि 26/10/2023 है, मतलब कि आपको 5 दिन में ही, 5-6 दिन में ही सब कुछ करना है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपने इस पर कोशिश करें। अब मैं बात करने वाला हूँ इसको फॉर्म कैसे भरेंगे। तो मैंने पहले आपको बताया था कि अपनी MJPR रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में पहुंचेंगे, जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है।
तो आपको यहाँ दिख रहा है सब कुछ, एडमिट कार्ड, यहाँ पेमेंट वेरिफिकेशन है ठीक है, और यहाँ एडमिट कार्ड वगैरह, ये आपका फॉर्म है देखो स्टूडेंट, ठीक है यहाँ है स्टूडेंट एक्स फॉर्म ऑनलाइन। तो इस तरीके से यदि एग्जाम फॉर्म आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, अपना यूनिवर्सिटी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाना होगा, बस यहाँ पर टच करना है। और जैसे आप टच करेंगे तो अपना यहाँ पर किसका फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं एमएससी का स्टूडेंट है, अभी एमएससी के निकले हुए हैं, तो हम एमएससी वाले बटन पर टच करते हैं। तो देखिए यहाँ अभी एमएससी का कोई ऑप्शन नहीं आया है, और मैं ये देखिए आ गया एमएससी एग्रीकल्चर क्या है आपका, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर की यहाँ बात की जा रही थी, तो यहाँ हम एमएससी पे सिलेक्ट करेंगे, कोई भी ईयरली वाई है, नर्सिंग है, एग्रीकल्चर है, तो मैं यहाँ नर्सिंग पर टच करता हूँ। उसके बाद में आपको जो भी चीज़ है होम पर टच करना है, सॉरी यहाँ नेम है, अपना नेम डालना है ठीक है, जैसे कि यहाँ नेम दे रखा है, और फादर का नाम डालना है और मम्मी का नाम डालना है, एंड व्यू पर टच कर दे रहा है, तो आपका क्या होगा ये खुल जाएगा ठीक है। उसके बाद में अपना आराम से पूरा रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, कोई इशू नहीं आने वाला है। तो ये चीज़ आपको यहाँ सब कुछ मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से आप एक हमारी वेबसाइट पर इसको ज़रूर विजिट करें, mjpru.website, इस पर आपको सारे लिंक मिल जाते हैं, आपको कहीं कुछ और सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कुछ इस तरीके से खुलेगी, और यहाँ सर आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप देख पाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की अपडेट मैंने आपको बता दी क्या रहने वाले, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।